स्टेशन मरोदा शंकर पारा में शनिवार सुबह बोर पाइपलाइन टूट जाने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे निगम के कर्मचारियों ने संधारण कार्य शुरू कर दिया है। स्टेशन मरोदा शंकर पारा में बोर पाइपलाइन शनिवार सुबह टूटने से लगातार काफी मात्रा में पेयजल नाली में व्यर्थ बहता रहा। पाइपलाइन टूटने की वजह से आगे अन्य मोहल्लों में भी पानी नहीं पहुंच सका, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्टेशन मरोदा एरिया में अमृत मिशन के अंतर्गत पाइपलाइनें तो बिछाई गई हैं, लेकिन उसमें भी पानी सही मात्रा में लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ही कम है, जिससे लोगों की पानी की समस्या बोर पाइपलाइन के जरिए ही पूरी हो पाती है। अमृत मिशन पाइपलाइन आने से पहले भी इसी बोर पाइपलाइन से ही लोगों तक पानी पहुंचता था और लोग अपनी पानी की जरूरतों को पूरा किया करते थे। रहवासियों ने बताया कि 4-5 दिनों से पानी रिसाव हो रहा था, अंततः आज सुबह पाइपलाइन टूट गई और पानी घंटों व्यर्थ बहता रहा। इसमें कोई देख रेख नहीं होता है, अब पार्षद को बोलने से कुछ ये निराकरण नहीं करता है। इसमें हम लोग को पानी के लिए बहुत परेशानी हो जाता है। घर का जो नल है लगा हुआ है अमृत वाला, वो आता ही नहीं है, उसके कारण से एकदम परेशानी होता है। पानी पीने के लिए सोचना पड़ता है। ये तो कर 15 दिन से बाहर है पानी, 15 दिन से बाहर है पानी। उसमें मरम्मत के नाम से कोई आते ही नहीं है, देखता है फिर चल जाता है। नगर निगम रिसाली के अधिकारी गोपाल सिन्हा ने पाइपलाइन संधारण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। ये तो अभी पार्षद माध्यम से हमारे कार्यालय में अभी सवेरे सूचना प्राप्त हुआ है, उसको परीक्षण कराकर आज ही आज उसको ठीक कर लिया जाएगा। अभी तो हम 2 दिन पहले वहाँ पे और कार्य बढ़ाए, पानी के मामले में हम लोग तत्काल उसकी कार्रवाई करें। गौरतलब है कि यदि पूर्व में ही पाइपलाइन का संधारण कर लिया जाता तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। निगम कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से शनिवार को हजारों लीटर पानी की बर्बादी हुई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।